अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, ओ दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। रब इशरह ली सदरी व यसर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन एक दिन आएगा जिस पर खुदा ने कहा कि ये ज़मीन फट जाएगी, ये ज़मीन खुलेगी। और जब ये ज़मीन खुलेगी, इसमें से वो तमाम लोग, मेरे और आपके चाहने वाले, जानने वाले, रिश्तेदार, माँ बाप और मैं और आप, इस ज़मीन में से बरामद होंगे और अपने हशर का इंतज़ार करेंगे। मुझे नहीं पता कि इस ज़मीन को मैं मोतबर कहूँ या हशर के लिए एक निशानी कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कभी किसी मुर्दे को गुस्ल नहीं दिया, जिन लोगों ने कभी किसी मुर्दे को कफन नहीं पहनाया, जिन्होंने उसको करवट दे के कभी पानी नहीं डाला, जिन्होंने किसी कब्र में घुस के किसी मरे हुए शख्स का बोझ अपने हाथों पर नहीं उठाया, उनको शायद आज की बात ये समझ में ना आए। आज इस कब्रिस्तान में, जो कि एक जनाजगाह है जहाँ पे हम खड़े हैं, एक गोरकन की कहानी है। गोरकन उस शख्स को कहते हैं जिसने मुझे और आपको इस ज़मीन के अंदर दफन करना है। अगर वो कब्र नहीं खोदेगा तो हम ज़मीन पर रुल जाएंगे। अगर इंसाफ इस मुल्क में गोरकन की बेटी को भी ना मिले तो खुदा की कसम हमारे हाकमों से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। कुछ ऐसी कहानी आज मेरे साथ मेरे दोस्त दो ख़ानदान बैठे हैं। ये एक ऐसे बाप की कहानी है जिसको 20 साल हो गए लोगों की कब्रें खोदते हुए, और जिसकी 18 साल की बेटी जो है उसकी जब शादी हुई उसके साथ क्या बीती। मैं अकरम से कहूँगा कि इसकी कहानी सुनाए, लेकिन अकरम से पहले, सबसे पहले तो मैं इंतहाई बहुत ही ममनून हूँ कारी जवार बहादुर साहब का, आप तशरीफ़ लाए कारी साहब, बहुत शुक्रिया। महमूद रशीद साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल ऐन, बहुत वार्म वेलकम आपको, और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारा साथ देती हैं रबिया बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं पता कि ये कहानी आप तक जब पहुँचेगी तो आपका क्या रद्द अमल होगा, लेकिन मैं आपको ये बात ईमानदारी से बता दूँ कि एक वक्त आएगा, एक ज़माना आएगा, और वो दूर नहीं है, जब हम इस शख्स अकरम या अकरम जैसे किसी शख्स के पास आएंगे और अकरम ने हमारे लिए कब्र तैयार की होगी। मुझे नहीं पता, अगर हम इंसाफ करने वाले होंगे तो अकरम के हाथों में हम हल्के होंगे, और अगर हम बेइंसाफ होंगे तो हमारे उस जिस्म का कफन का बोझ किस कदर ज़्यादा होगा। इस बात को आज अपने दिल से सुनिएगा, अपने कानों से नहीं सुनिएगा। अकरम, सलाम अलैकुम बेटा। अकरम, मुझे ये बताओ कि बेटी की कहानी क्या है, आपने कब शादी की उसकी और फिर क्या हुआ? सर, 5वें महीने की 30 तरीक नु 2012 के बीच 5वें महीने की 30 तरीक नु मैं अपनी बच्ची की शादी की। बात करोगे? नहीं, उर्दू में नहीं बात कर सकते। ठीक है, बोलो। 5वें महीने की 30 तरीक नु मैं सर अपनी बच्ची की शादी की। कहाँ शादी की? जी, चासन के चागा में था। अच्छा, तो आप जानते थे उन लोगों को? जी नहीं, मैं जानता नहीं था। बस बेटी की उस वक्त उम्र क्या थी? उस 18 साल उम्र थी। आपने शादी कर दी उसकी, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद सर जड़ा है ना, अपना 12वें महीने की 10 तरीक नु, यानी कि 4 महीने बाद। हाँ जी, 4 महीने बाद 12वें महीने की 10 तरीक नु जी मोहम्मद अली खान है, उन्होंने जिम्मेदार है जी, जिम्मेदार है। का क्या नाम है? अली मुजाहिद है। अली मुजाहिद का जो जिम्मेदार है उसका नाम है? उसका नाम है जी अली खान। अली खान जी सर। अच्छा, अली खान ने सर अगवा की है? अगवा की है जी सर, उन्होंने अगवा की है। ये अली खान है जी, एक अली हसन है जी, एक रमज़ान है जी, एक अनीफ है, एक अली अदर। आपके सारे नाम किसने बताए जी? वो जब पर्चा होगा तो पर्चा करवाया है तो वो सारे। अच्छा, ये बताओ कि जब ये ज़्यादा हुआ सिलसिला तो आपके दामाद ने कोई इस पर काम नहीं किया? जी नहीं सर, उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई तो अगवा करके लेके कितना अर्सा उन्होंने उसको अपने पास रखा? उस दो ढाई महीने रखा है अपने पास रखा जी सर। फिर क्या किया? बुजाती कर दे रहे बच्ची दे बच्ची उस दौरान सर हमला है। तो 2-2.5 महीने के बाद वो वापस छोड़ के अपने शौहर के पास? जी वापस नहीं छोड़ी, उन्होंने पाक पतन दारुल अमान में दी थी सर। दारुल अमान में छोड़ गए? दारुल अमान में दी थी। उधर मैंने पता लगा सर 5 तरीक नु 2 महीने जी, मैं उत जकीर साहब पेश होया जी, उत दरखास्त लिखवाई थी बच्ची। ये कौन है?
जी सगीर साहब है जज है जी जय पाक पतन। अच्छा उतों तो दरखास्त लिखवाई थी जी मैं गया तो अपनी बेटी अगों इतवार हैगा सी तो उन्हें कहा जी है कि सुबह जरा सुबह तुम आ जाना तो पीर वाले दिन पीर वाले दिन जरा फिर पीर न दरखास्त लिखवाई दरखास्त लिखवा के तो फिर गए जी तो बच्ची ने साइन कर साहब के पास जी सगीर साहब के पास वहाँ से कोई सहूलत मिली जी सहूलत मिली उन्होंने साइन कर दिते उन्होंने बच्ची ने पुलिस भेजी जी तो पुलिस पाग दारुलमान च लैके आई जी लैके आई तो जो 6 तरीक असी रिहा कराई सर फिर उतो ये है कि उत्थे बच्ची के बयान करवाने सर जी फिर क्या हुआ अदालत चले गए फिर क्या हुआ अदालत चले गए है तो फिर वो ये है कि बच्ची उन्होंने जाई साहब ने साडे हवाले कर दे दी आप उसके बाद घर ले आए बेटी को जी बेटी को अपने को घर ले आए सर फिर दोबारा 164 का बयान हो तो उन्होंने कहा जी इधर पाक पतन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा फिर जी इधर कहने जी तलौरू हाई कोर्ट होएगा जी तो अब आपको शौहर से जो उसका है उससे आपका ताल्लुक है जी तल्लुक दामाद से जी दामाद से अभी तो बच्चा पैदा हुआ है बस उसकी तलाक भी नहीं हुई है सर कुछ भी नहीं हुआ है अले करते मुलजमान जड़े है वो सर आज़ाद फिर रहे हैं आज़ाद फिर रहे हैं जी कोई जज साहब ने उनको पकड़ा नहीं पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं पकड़ा ही कोई नहीं है सर पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं पैसे ले लेते हैं वो उनका जो मेन मुलजम है अली खान जी उनका जो बनवैया है हबीब खान खुद वकील है सर तो साड़ी तो सर की कई सुनवाई नहीं होती है जिधर जाते हैं भी वकील लगे आपको उन्होंने 2.5 महीने के बाद ही बेटी वापस कर दी या बेटी को कहीं और भी बेचा बेटी को उन्होंने सर इतू अगवा की इन्होंने फिर साहिवाल ले आरफ वाले ले गए आरफ वाले चो फिर इन्होंने साहिवाल लिया उ 2 दिन कैद रखा सर बेटी तो हाँ जी बेटी को कैद रखा उसे सर ज्यादती करते रहे उसके साथ जुल्म करते रहे फिर उन्होंने मरियम बीबी के हवाले कर दिए जी वो कौन थी मरियम बीबी मरियम बीबी साहिवाल की है जी फिर उन्होंने सर जरा उतू खानपुर लै गई जी असद तो फयाज तो प्रवीण बीबी जी फिर उन्होंने जो नाम एफ आई आर होगी तो फिर यही मुलजम सर गए वापस लेके आए गए यही मुलजम साहिवाल दी है जिस अपना दारुलमान। अच्छा मेरे पास मौजूद है अबास शाह साहब जो कि वकील हैं इस लड़की के इस बच्ची के वकील अबास शाह आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी जी सर जनाब अबास शाह साहब आपको आवाज़ आ रही है जी 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 आ रही सर शाह साहब मुझे ये बताइए कहानी तो हमें समझ आ गई आप बच्ची की शादी हुई 18 साल उसकी उम्र थी 4 महीने के बाद उसको उसके शौहर से उसका जिम्मेदार अगवा करके ले गया फिर उस अगवाकारों ने इस बच्ची को साहिवाल में किसी और के पास बेचा बच्ची वहाँ रही फिर उसके बाद बच्ची को पुलिस ने बरामद किया ये इतने बड़ा मुकदमा जो है इसकी अगर FIR देखें तो वो तो ऐसी मासूमाना FIR है कि उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकेगा ये ऐसा क्यों है कि पुलिस ने अभी तक इस FIR को भी दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों नहीं बनाया और ये सारे लोग इसमें नामजद क्यों नहीं हुए और ये सारे लोग पकड़े क्यों नहीं गए इसमें सर असल हालात मुकदमा इस तरह हैं कि जिसकी बच्ची अगवा होने के बाद मुख्तलिफ ब्राथल हाउस पे बिकती रही है खानपुर तक बिकती रही है और जो मुकामी एक SHO साहब थे निसार बच्ची साहब और एक ASI थे मनीर साहब वो हाँ जी निसार बट्टी साहब SHO थे और मनीर ASI था वो मुलजमान के साथ साजबाज थे जी उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई तो मौजूदा DPO पाक पतन साहब ने और नए SHO साहब आए इमरान टीपू साहब उन्होंने और हमायत खान DSP साहब ने मिल के एक जॉइंट टीम बना के इस बच्ची के तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करना शुरू किया अब हुआ ये कि जब मुलजमान गिरफ्तार हुए उनके रवान जिस्मानी शुरू हुए तो क्योंकि मुखालफ पार्टी यहाँ के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और वकला में बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है उनका उन्होंने एक हमारे मजिस्ट्रेट साहब इधर हैं शहीद साहब उनके साथ मिलकर एक फक्तीशियस अखराज कोर्ट मरतब की और उसको पिछली तारीखों से मर्जी ताकत यानी इस मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर भी अदालत में हाजिर होता है ना तो इसमें ताकतवर होने की क्या बात है इंसाफ तो उसको भी मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ कमजोर को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या जी मैं गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने 29/3/16 को मजिस्ट्रेट साहब ने आज से 2 दिन पहले 29/3/16 में एक अखराज रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया हालांकि मजिस्ट्रेट साहब वो अखराज रिपोर्ट 29/3/16 को एक्सेप्ट करते हुए इस बात को भूल गया कि इसी मुकदमे के मुलजमान जो हैं वो 28/3/16 को गिरफ्तार कुछ हुए थे और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद मुलजमान रिमांड पे रहे और 29/3 के बाद मेरे लिए ये बात अहम नहीं है वकील साहब ये तफसील जो है ना ये वकीलों के लिए अहम है मुझे तारीखें और ये नहीं चाहिए मुझे बताइए कि ये लड़की बिकती रही इस बात का सबूत क्या मिला
जी इस बात का सबूत ये है कि मजिस्ट्रेट के साथ 164 के उसके बयानात हुए और 164 के मजिस्ट्रेट के पास बयानात हुए, दौरान तफ्तीश से साफ बात साबित हुई, पुलिस की मौजूदा पुलिस ने तफ्तीश में तमाम मुल्जमान को गुनाहगार किया कि ये मुल्जमान तफ्तीश में गुनाहगार है, इन्होंने लड़की को फरोख्त किया, लड़की मुख्तलिफ शहरों में बिकती रही है। हमारी बात किस्मती ये है कि उस मजिस्ट्रेट ने एक इंस्पेक्टर और ASI के मिलकर पिछली तारीखों में एक अखराज रिपोर्ट को मंजूर कर लिया, हालांकि उस तारीख के बाद मुल्जमान गिरफ्तार होकर उसी मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश हुए हैं और मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हीं मुल्जमान को गुनाहगार करके जुडिशियल भिजवाया है। खुद अपना हुक्म है उनका कि ये जुडिशियल जाए, जेल जाए, गुनाहगार है। और वकील साहब आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। महमूद रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। हजूर ये एक कब्रस्तान है जहां हम बैठे हैं और ये गोरकन है और 20 साल इसको गोरकन बने हुए हो गए, 18 साल की इसकी बेटी है। मैं अदब से कह रहा हूं ये बात, इस लड़की ने अपनी पूरी तबई उम्र में सवाए जनाजों के और मरे हुए लोगों को दफन होते और कोई इसकी तालीम है ही नहीं। आखिर ये बच्ची भी अगवा हो और फिर कई जगह बिके और उसके बाद मुलजमान जो है वो आज़ाद हो जाएँ, तो फिर आप इस इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में क्यों कायद बनना चाहते हैं? आपका क्या किरदार है? इस मुल्क को कौन चला रहा है? कुतुब साहब, बदकिस्मती से इस मुल्क में आम आदमी के लिए इंसाफ के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं और थाना कचहरी से लेकर अदालतों तक। अब ये आपका माइक में चलता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी के लिए और पिछे हुए तबकात के लिए इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी जो है तकरीबन नामुमकिन है। क्यों महमूद साहब? इसलिए कि यहाँ पर अभी आपने वो वकील साहब की बात सुन ली कि आम आदमी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो जाती है उसकी तो FIR दर्ज नहीं होती। आम आदमी का पाकिस्तान नहीं है? नहीं, ये तो नहीं लगता है आम आदमी का पाकिस्तान। ये किसका है? ये तो वो रूलिंग एलीट का पाकिस्तान है, ये आम आदमी का पाकिस्तान ये नहीं है। आम आदमी में से भी ये गोरकन और उसकी बेटी, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो खुशकिस्मती है कि इनका कहीं कोई अच्छा पुलिस अफसर आ गया, जैसे उन्होंने कहा DPO पाकपतन और एक SHO नए आए और उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया। दर्जनों ऐसे वाकयात हैं और मैं बीइंग अपोजिशन लीडर, हमें दूसरे चौथे दिन इस तरह का कोई ना कोई वाकया आ जाता है कि लोग बेबस हैं कि इस पूरे सिस्टम को इस तरह से जकड़ा हुआ है माफियाज ने और यहाँ पर हमारी हुकूमतें जो हैं वो थाना कल्चर की तब्दीली के नारे तो लगाती हैं। मैं आपको वादा दे रहा हूँ अपना जाती तौर पे, जिस दिन आपने आज पाकिस्तान में धरना दिया ना नाइंसाफी के खिलाफ के पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, मैं सबसे पहले उस कंटेनर पे चल के अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा, चीखे मारूंगा। इस मुल्क में नाइंसाफी अगर एक गोरकन को नहीं मिल सकती कब्रस्तान में, तो ये सारे लोग जो हैं ये कब्रस्तानों में नहीं आएंगे, इनको नहीं पता कि इन्होंने यहाँ पर आना है। मैं कुतुब साहब आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा निज़ाम जब ये कोलैप्स हो चुका है, कोलैप्स हजरत, ये मुझे बताइए कि एक गोरकन की बेटी इस मुल्क में महफूज नहीं है और आज जुमे का जो दिन था उसके अंदर मस्जिदें भरी हुई थीं, अगर इंसाफ ही नहीं है तो ये किरदार क्या है इस मुल्क में? कहाँ जाइए गोरकन, कहाँ जाइए सारी औरतें, कहाँ जाएं ये पाक पतन से सारे इस बच्ची के लिए आए जिसने आज बच्चे को जन्म दिया है। सिर्फ उसको आज हम इसलिए नहीं सामने लेकर आए क्योंकि उसने आज उस बच्चे को जन्म दिया है, इंतहाई खूबसूरत बेटा अल्लाह ने उसको अता किया। हजरत इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ सही फरमा रहे हैं महमूद रशीद साहब कि गरीब के लिए मजलूम के लिए कोई इंसाफ का दरवाज़ा खुला नहीं। थाने में भी आप पैसे के बगैर नहीं जा सकते, अदालत में भी आप पैसे के बगैर नहीं जा सकते। फिर बदकिस्मती से यहाँ अदालतें बिकती हैं, थाने बिकते हैं, जिसके पास पैसा है वो अपने हक में फ़ैसला ले सकता है। मैं, आप और कोई गरीब और मजलूम आदमी जो है वो हज़ार बेचारा सर पटकता रहे जाके अदालतों के दरवाज़ों पे, थाने वाले तो अंदर दाखिल नहीं होने देते उसको, थाने वाले उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तफ्तीशी अफसर जो है वो जिसको चाहे गुनाहगार को बेगुनाह कर दे और बेगुनाह को गुनाहगार कर दे, उसको 5-7 हज़ार रुपया चाहिए। इन सारे मसाइल का कारी साहब हमें पता है, महमूद साहब हमें सारे मसाइल का पता है, मैं वापस आता हूँ वक्फे से आपसे आऊँगा। अगर हमें इन सारे मसाइल का पता है तो हमारे पास इस मसाइल को हल करने के लिए अगर वो कौन है, इस मुल्क को हम इस नज तक, इस हजती तक क्यों लाए कि 14 अगस्त तो हम इंशाल्लाह ताला बड़े धूमधाम से मनाएंगे लेकिन इस मुल्क में इज्जत जो है वो सफ़ेद बाल नहीं है, वो सच बोलना नहीं है। इस मुल्क में इज्जत है एक वीगो का आपके पास ट्रक हो, उस पर 4 गार्ड बैठे हैं और आपके सामने चल रहा हो, अगर ये मयार होगा तो ये जवाल नहीं तो और क्या है? 14 अगस्त को आज़ादी किस चीज़ से मांगनी है और किस चीज़ की खुशी है जो मनाएंगे? क्योंकि सारे लोग जो कल 14 अगस्त परसों मनाएंगे
ये इन्हीं कब्रस्तानों में आएंगे और इन्हीं गोरखनों के हाथों ये इन कब्रों के अंदर उतरेंगे। अगर ये सच नहीं है तो फिर आप आजाद हैं, जो चाहे कीजिए। ऐसा न कि जो अब जो किए हो दाता, ऐसा न कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिदुन्निसरत, जब इमाम गजाली का इंतकाल हो गया तो वो किसी की ख्वाब में आया और आपने बताया कि मुझे इस बात पे बख्शिश नहीं की गई कि मेरे अमाल अच्छे थे, मेरे फतवे अच्छे थे। कहा कि मुझे बताया अल्लाह ताला ने कि जब तुम एक फतवा लिख रहे थे, अब फतवे पे माफ़ी नहीं हुई इमाम गजाली की, जब तुम फतवा लिख रहे थे तो तुम्हारी कलम पे बैठ के एक मक्खी जो है वो तुम्हारी कलम की स्याही को चूस रही थी। तुमने फतवा लिखने में देर लगाई ताकि मक्खी जो है वो स्याही को चूस ले। तुम्हारे इस रहम करने के अंदाज़ को अल्लाह ने पसंद फरमाया। खुदा रहम पसंद करता है, रहम करने वालों को पसंद करता है। ये वालदा है उस बदनसीब बच्ची की जिसने आज एक बेटे को जन्म दिया। मुझे बताइए कि आपकी बच्ची जो है वो जगह जगह बेचता रहा आपका दामाद, आपको कभी इल्म नहीं हुआ कि दामाद जो है उसके पास आपकी बेटी नहीं है और वो उसको बेचता चला जा रहा है, या वो अगवा हो चुकी है, आपने पीछा नहीं किया? किया था पीछा जी, सन पता नहीं था जी, उन्हें बेच दिया या कोई, सन पीछे पता लगा सब बड़ी देर बाद। आपको कब पता चला कि उसने बेचा उनको या अगवा किया उन्होंने? सानू जी पता चला सी उन्होंने फोन किया थोड़ी बेटी घर पर नहीं है, असं उत्थे जो गए तो सू लोगों ने क्या इन्हें बेच दिता 10 मरले की जमीन के साथ। 10 मरले की जमीन इसने किसने ली दामाद से? उन्हें अली मुजाहिद ने ली सी अली खान के साथ। आपके दामाद ने 10 मरले जमीन के एवज अपनी बेटी अपनी बीवी दे दी? हाँ जी दे दी। सू जो पता चला असं उत्थे गए असं पिछा दसा सू जो गाली दिए डिस्कोस दिए अस बड़े रुटने पीटे उत्थे डेरे गए इधर गए इधर गए सू कोई किसी ने सुनी मुझे ये बताना अकरम कि आपकी बेटी जो है वो बिक रही है, आप 10 मरले की जमीन की इवज़ ये लोगों ने आपको बताया, तो आप अदालत नहीं गए? सर अदालत गए है लेकिन अदालत इंसाफ कितने दें जी, अपना सहम मुजफ्फर है आरफ आले आला जज जी, उन्हें गैर कानूनी आरफ वाले दे विचो रिहा की, हाले सगीर साहब ने डाला भेजा सी कि मेरी अदालत में पेश करो। इंसाफ करते हैं जजेस जी, जज इंसाफ करते हैं, अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं। सर उन्होंने गैर कानूनी आरफ वाले चो रिहा करा ली, मैं जिम्मेदार है अप्रोच वाले है, उन्होंने गरीब बंदे की कौन सुनता है। सैशन जज साहब न दरखास्त दी है उस सहम मुजफ्फर के खिलाफ, जी तरीक पई है साहब मुजफ्फर साहब ने के सैशन जज ने जी तरीक पाई जी, वो सैशन जो पेश हो सैशन जज साहब के उन्होंने कहा जी तुम अपनी दरखास्त वापस ले लो, तुम 491 की रिट करो, मैं तुम्हें बच्ची वापस करा देना जी। लेकिन मैं सर अनपढ़ बंदा है सर, मैंने की पता है, मैं दरखास्त सर वापस ली 2 तरीक ली, इन्होंने 3 तरीक दारुल मान दे दी जी। क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ हैं समा के, रियाज। रियाज मुझे ये बताइए कि आपने अकरम की बात सुनी, अकरम तो एक अनपढ़ आदमी है, ये तो लोगों की कब्रें खोदता है, ये कब्रों के पैसे लेता है, 2-2.5-3 हज़ार रुपया कब्र की होता होगा, ये तो इंतज़ार करता होगा कि कोई जनाजा आए तो इसकी रोटी जो है वो आज की बने। मुझे बताइए कि जब ये पुलिस के पास मामला जाता है FIR में जाता है तो इतनी कमज़ोर क्यों FIR लिखी जाती है कि जो मुलजिम है जो कि मुबैना तौर पर मुजरिम है वो बच जाए इतनी आसानी से, कि कमाल कर दी बात कि एक बच्ची अपने हमल के साथ वापस अपने माँ बाप के घर आ जाए, ना उसका उसको शौहर पूछे, ना अगवाकार और ना पुलिस जो है उसको किसी किस्म का रिलीफ देने को तैयार हो। जी फरमाइए। बिल्कुल बिलाल कुतुब साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पुलिस जो है वो अक्सर मुल्ज़िम को जो है वो उसने कुछ ना कुछ फेवर देने के लिए जो दफात है वो नरम लगा देती है, और यही वजह कि इस केस में चूंकि जिस तरह इन्होंने बयान किया है कि उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने 10 मरले मकान प्लॉट की खातर फरोख्त कर दिया, तो उसमें जो कानून ये कहता है कि 370 पे पे जो है वो दफात लगाई जाती है कि औरत को उसकी मर्जी के बगैर जिस्म फरोशी के लिए आगे फरोख्त कर दिया गया है, और उस पर खरीदने वाले पर
जो है वो 372 बी लगती है, जबकि बेचने वाले पर 371 ए लगती है, अगर ये साबित हो जाए। लेकिन पुलिस वाले इसमें जो मुल्जम को फेवर देते हैं वो सबसे बड़ी ये है, वो 342 की दफा लगा देते हैं या 343 की दफा लगा देते हैं, उसकी सजा वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल या 3 साल है और उसकी जमानत भी बड़ी आसानी से हो जाती है। और यही पुलिस जो है वो मुल्जमान को फेवर देती है। और जो 343 का मतलब ये है कि 3 दिन से ज्यादा किसी को महफूज रखा, किसी की बीवी को है, हमारे महकमों की बेजमानत करवा दी, वो पैसे कमाने का तरीका है, ये क्यों कर रहे हैं सारे लोग? जी बिल्कुल, पैसे कमाने का बिल्कुल पुलिस का ये तरीका, पुलिस का ये तो नया तरीका नहीं है, ये पुलिस इसी जो है वो उसका वतीरा है, वो इसी पर चल रही है। लेकिन अगर मुल्जम मुद्दई जो है वो उसकी फेवर करे, मुद्दई जो उसके पैरवी करे केस की, तो ये केस चल सकता था। लेकिन जो पुलिस है वो पैसे लेती है मुल्जमान पार्टी से, और यही वजह जब अदालत में चालान पेश करती है तो वो चालान भी बड़ा हल्का होता है, यानी कि अगर रूटीन में चालान पेश करे तो वो गवाहों और मुद्दई के बयान जो है वो मुस्तनद हों तो अदालत उस पर फैसला करती है, उसमें पुलिस की तफ्तीश की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर चालान में खाना नंबर 2 में अगर पुलिस, तो मुझे एक बात बताइए माइक पर पेश करे, मुझे फरमाइए कि ये इतना कमजोर अमल पुलिस कैसे कर सकती है कि एक अनपढ़ आदमी जो है वो कैसे फॉलो करे कि मेरी FIR में क्या लिखा, वो पहले यानी कि FIR लिखाने से पहले भी ये वकील करे कि वो वकील देखे कि उस FIR को ठीक लिखा गया कि नहीं, फिर अगर यही करना है तो पुलिस का तो फायदा ही कोई नहीं है। देखिए मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो आपके हुक्मरान हैं उनके ऊपर जाती है, और वो इसलिए भी जाती है कि ये सारा पुलिस सिस्टम जो है ये उनके मातहत होता है जो एग्जीक्यूटिव होती है मुल्क की। और आपने देखा कि मुझे जो महसूस होता है कि उनका किसी भी स्टेट के जो बुनियादी मामला है उनके साथ कोई तल्लुक नहीं, मतलब जो विजन नज़र आता है गवर्नमेंट का वो सड़क बना देना और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक कहानी है जो आप अभी दिखा रहे हैं, मगर अगर आपको पुलिस से वास्ता पड़े तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई केस होगा फौजदारी केस कि जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईमानदारी के साथ और कानून के मुताबिक होती है। पुलिस के ये हम जहालत की वजह से करते हैं, नलायकी की वजह से, या हम बेईमान हैं? सर बेईमान भी हैं, नलायक भी हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर पुलिस में भी भर्तियां नहीं होती, फिर जब इनकी भर्तियां होती हैं इनके बकायदा तरबियत नहीं होती कि किस तरह इन्होंने साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर खासतौर पर, क्योंकि हमारा वास्ता इधर पड़ता है, तो यहाँ पर पुलिस सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका हुआ है। अदालतें जो हैं वो रोज़ इसके ऊपर बात करती हैं, और जो मुतलका जो अग्रीव लोग हैं वो बेचारे हर वक्त दरखास्तें लेके अपनी फिरते हैं, और ये अदालतें खुद कहती हैं कि ये जो पुलिस जो जुडिशल सिस्टम की नाकामी है, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम की नाकामी वो बराह रास्त पुलिस के ऊपर है। अब आप ये देख लीजिए कि जो FIR है इसके ऊपर जो प्रोविजंस लगी हैं मतलब उनका कोई तल्लुक ही नहीं बनता, जिस तरह ये FIR जब इन्होंने दर्ज करवाई तो जो मेन प्रोविजंस थी वो उसके अंदर उनका जिक्र ही नहीं था। आपकी तरफ आऊंगा नूर, मुझे ये बताइए आपने FIR को बड़ी तफसील से पढ़ा, इसमें ऐसी क्या कमजोरी है जो नहीं होनी चाहिए थी, और FIR लिखने वाले को आप किस तरह रेट और मेरिट करती हैं? बेसिकली मैं ये कहूँगी कि जो FIR लिखी गई है वो इंतहाई कमज़ोर लिखी गई है, क्योंकि यही कहा जाएगा कि जो आपकी दूसरी पार्टी के साथ ये लोग मिले हुए थे, ठीक है। अब इसके अंदर ये था कि जो FIR 496A लगाया गया है जिसकी सज़ा ही 7 साल है, कम से कम सजा का 3 साल बाद वो शख्स बाहर होगा। एग्जैक्टली, उसने किसी की बेटी को उठाया, उसको अगवा करके लेकर गया और उसको बार बार बेचा, और वो 3.5 साल बाद वापस आएगा और किसी और की बेटी के साथ ये करेगा। Exactly. ये हमारा अदारा इस बात को सहूलत दे रहा है। अल्लाह ताला आदिल है और अदल करने को पसंद करता है। हम जब इंसाफ प्रॉपरली आपकी पुलिस ही नहीं देगी तो हम किसी अदालत को हम ब्लेम आउट नहीं कर सकते, जब तक पुलिस आपकी जो लोअर लेवल है वही नहीं कर रहा तो वो अदालत के पास क्या लेके जाएगी। इसमें जो है आगे वो 371A(b) उनको लगाना चाहिए था कि बाइंग और सेलिंग ऑफ अ पर्सन, हमारा फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं इसके अंदर इस बच्ची के इंफ्रेंज हो। मुझे इस बात का जवाब हाँ या ना में नूर दीजिएगा, ये रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक है, इस मुल्क में क्या औरत को बेचा और खरीदा जाता है? किसी भी मुआशरे में किसी भी जगह पे कोई भी महजब मुआशरा होगा, कोई भी इंसान होगा, वो इस बात की कोई भी मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरत को खरीदे और बेचे, किसी भी इंसान को खरीदो फरोख्त उसकी किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इस मामले को मेरे ख्याल में अगर आज कोई हाकिम हमें सुन रहा और देख रहा हो तो कम से कम ये इंसाफ तो हो सकता है कि ये बच्चा जो इस बच्ची ने आज बेटा जना है इसका DNA भी हो सकता है, और अगर कोई इंसाफ ना दे सके तो मेरे ख्याल में हाकिम ये इंसाफ ज़रूर दे सकता है कि जिसका भी वो बेटा हो वो उसके ज़िम्मे डाले उसका ख़र्चा मरने तक, या माँ बाप के या बच्चे के। अगर ये भी इंसाफ नहीं पहुँचाया जा सकता तो ये इंसाफ का सवाल अदालतों से भी होगा, पुलिस से भी होगा, और सबसे बढ़ के
इस मुल्क के उन हाकिमों से होगा जिन्होंने ये इंसाफ इस घर तक पहुंचाना था, इस घर तक नहीं माफ़ी चाहता हूँ, इस कब्रिस्तान तक पहुंचाना था, इस गोरकन तक पहुंचाना था। आखिर वो इंसाफ एक औरत का होता तो अलग बात थी, ये औरत एक गोरकन की बेटी है। अगर कब्रिस्तान भी ना इंसाफी और बायस होंगे तो फिर खुदा गवाह है कि आपके जनाजे जो हैं वो किसी 5-स्टार और 7-स्टार होटल में तो दफन हो सकते हैं, इन गोरकनों के यहाँ शायद ना आ सके। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रत, ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो कब्रिस्तान में गोरकन है ये ना ये तालीम याफ्ता है ना बहुत ज़्यादा दानिशमंद हैं, इसलिए इनकी मासूमियत पे तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन हमारी हमाकत देखिए और हमारी, मैं आपको क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँ, कि DPO पाकपतन कामरान यूसुफ जो है उन्होंने हमें इस बात की एश्योरेंस दी कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले को देखेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने उसमें शिकें भी शामिल की, लेकिन मुलजमान की FIR की तफ्तीश इतनी नाकिस थी कि वो बेल आउट हो गए बाइज्जत तौर पर। इस मुल्क में महमूद साहब अगर बेटियाँ इसी तरह लुटती रहीं, किडनेप होती रहीं, बिकती रहीं और हम जो हैं वो अपनी हुकूमतें चलाते रहे, तो हमें मर के इसी कब्रिस्तान में आना है क्या? ऐसा नहीं मुमकिन कि असेंबलियों में ये गुफ्तगू हो कि एक बेटी अगर बिकी है तो इस मुल्क की इज्जत बिकी है। तो सब दो चीज़ें मैं इस बारे में कहूँगा। पहली बात तो ये है कि हुक्मरानों को अपनी तरजीहात बदलना होगी। मौजूदा हुकूमत को 9 साल है, ये कुछ 30 साल से हुक्मरान है। अगर इनकी तरजीहात जो हैं वो पुलों के ऊपर है, 200 अरब रुपये से ज़ायद 24 आवर्स और इन ट्रेन पे काम हो रहा है, लेकिन इंसानियत बिक रही है जैसे आप बता रहे हैं, जुल्म और ज्यादती हो रही है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। अगर इससे आधी तवज्जो भी वो दे दें जितनी वो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बसों पर दे रहे हैं इस मुल्क के आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए, तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक हमारे इस निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं आती, जो ज़ुबानी आप जितने मर्जी नारे लगा लें, निज़ाम से मुराद ये है कि आप इस पुलिस के पूरे निज़ाम को ओवरऑल करें, इसमें रिफॉर्म्स लेके आएँ, यहाँ FIR दर्ज होने से लेके उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी प्रोसिक्यूशन। मुझे ये बताएं कि इस तरह के हीनियस क्राइम तो ये रोजाना का मामूल है पंजाब के देहात में, कितने लोगों को फांसी के फंदे तक ये लेके गए। एक बच्ची के साथ या एक हिंदुस्तान में पूरी एक बच्ची के साथ हुआ था, हिंदुस्तान सारा रुक गया था और उनको 4-6 महीने में अदालत ने फांसी पे लटकाया था। तो ये मैं समझ रहा हूँ, जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, अदालती निजाम, ये सारी चीजें ठीक नहीं होती, हुक्मरान इस तरफ मतवज्जो नहीं होते, उनकी तरजीहात नहीं बदलती, उस वक्त तक ये लोग इसी तरह से रोते रहेंगे। इस पर्टिकुलर केस के हवाले से मैं इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में कॉल अटेंशन नोटिस भी दूंगा, चीफ मिनिस्टर से जवाब भी तलब करूंगा, लेकिन बात फिर यही है, ये एक नोटिस तो आपके नोटिस में आ गया, एक केस बात नहीं होगी, लेकिन मजमूई तौर पर जब तक सिस्टम नहीं बदलता ये लोग DPO को बुलाए, उसे कहें कि जनाब जवाब दे, आपने वादा किया था, आपने इंसाफ क्यों नहीं पहुंचाया, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत, जो जब महमूद साहब जो बातें कह रहे हैं ना, ये मेरे लिए ना ख्वाब है, हमें बूढ़े हो गए, हम ये बातें सुन सुन के नहीं हो सका। मुझे फरमाइए कि क्या मेंबर इसमें किरदार अदा कर सकता है कि इस मुल्क में एक तब्दीली आए और वो इंसाफ जो लोग ख्वाब में सोचते हैं वो कम अज़ कम उनकी बहन बेटियों को तो मिल सके? अब मेंबर से आवाज उठती है, अब उस आवाज पे अमल करने वाले कम हैं। कौन है? ना हुक्मरान हाकिम सुनते नहीं है, ना हुक्मरान हाकिम तो सुनते नमाज नहीं पढ़ते और उन्होंने कान बंद किए हुए, वो किसी मजलूम की आवाज नहीं सुनते, अल्लाह रसूल की आवाज नहीं सुनते। कुरान पाक और हदीस मुबारक भरी हुई है इससे कि जालिम का हाथ रोको, मजलूम की मदद करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, उन सुरखा का जालिमन व मजलूमन, अपने भाई की मदद कर खा वो जालिम हो या मजलूम हो। अर्ज की गई मजलूम की मदद तो समझ आती है, जालिम की कैसे मदद करें, पर मैं उसका हाथ जुल्म से रोक लो। तो आवाज़ तो आ रही है लेकिन काश उस पर अमल करने वाला हो। इंसानियत मर गई है, हुक्मरानों के ज़मीर मर गए हैं और हमारी आवाम भी पैसे के लिए कानूनी के पीछे दौड़ती है, बिल्कुल जनाजगा बन चुका है। मुझे इस पर कानूनी राय दीजिए कि आप जो आपके मुजरिम जो है, मेरे ख्याल में वो मुजरिम है, वो जब बेल आउट हो गए अब क्या कदम उठाना चाहिए?
बेल आउट होने का मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ जो केस है वो ख़त्म हो गया है, वो शहादत की बुनियाद पे साबित किया जा सकता है। मगर यहाँ पर मैं एक और बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही करूँगी, और वो ये है कि इस केस के अंदर अब आगे डीएनए बड़ा रेलेवेंट है। जब डीएनए होगा और इस एक एविडेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मगर इसके अंदर अगर आप रोल देखें पूरी सोसाइटी का, जिसमें वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है जिन्होंने ये कहा कि डीएनए जो है वो सेकेंडरी एविडेंस, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि जो खवातीन पाकिस्तान की बावजूद इसके आइन और कानून के तहत वो बराबर है, मगर सिस्टम हमारा इस तरह का है मजहबी जमातों की वजह से, नाहली हुक्मरानों की वजह से और उन मुक्तदर अदारों की वजह से जो जमहूरियत के ऊपर काबज रहते हैं, कि जो औरत है मोस्ट वल्नरेबल तबकात से उसका तल्लुक होता है। बात ठीक है नूर, जब ये जब मुकदमा जो है ये क्या हाई कोर्ट के अंदर अब जाना चाहिए या जा सकता है या इसमें कोई मदद हो सकती है? बेसिकली यहीं पे अभी जो इसकी एविडेंस स्टेज पे ये आएगा और इसकी यहीं पे जो आगे शहादत आएगी उसी के ऊपर ये केस चलेगा। हम इसके ऊपर ये कहना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, जो असेंबलीज में लोग बैठे हुए उनको चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जब आके पार्लियामेंट के सामने या किसी भी असेंबली के सामने आके अपने आप को पेट्रोल छिड़के और अपने आप को वहाँ पे 10-15 मीडिया वाले इकट्ठे हो जाएं तभी उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। किसी का इंतज़ार करें, हर इंसान की इसके ऊपर फ़र्ज बनता है कि इस बच्ची का और हर ऐसे जुल्म होने वाले के साथ उसके साथ खड़े हों और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलें ताकि इंसाफ मिल सके लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता इंसाफ कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता सियासतदान क्या करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि मेंबर क्या करेगा, लेकिन मेरे दाएं बाएं बैठे हुए ये कब्रें खोदने वाले जो हैं ये आपकी कब्रें खोदते रहेंगे, ये अपने फ़र्ज से बाज नहीं आएंगे। जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएँ, जिस देश में कातिल गुंडों को इशराफ छुड़ा कर ले जाएँ, जिस देश में बिनते हवा की चादर को दाग मिल जाए, जिस देश में भूख बच्चों से माओं को नीलाम करा दे, जिस देश में सादा लोग सिर्फ वादों पे टरखाए जाएं, इस देश के हर एक लीडर को सूली पे लगाना वाजिब है, वाजिब है। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस हमारी इस बच्ची को जिसकी बेटी के आज बेटा पैदा हुआ है दुआ दीजिएगा, और इस हमारे इस भाई को अकरम को दुआ दीजिएगा। हम कर कुछ नहीं सकते सिवाय दुआओं के, खुदा करे कि इस मुल्क को इस 14 अगस्त के बाद वो हाकिम नसीब हो जो उमर खताब की तरह इंसाफ की बातें ना सिर्फ करें इंसाफ पहुंचा कर दिखाएं, इंशाल्लाह।